मध्य प्रदेश के रीवा में एक महिला के साथ 6 की संख्या में आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। दुष्कर्म करने वालों में से महिला का रिश्तेदार सहित 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पूरा मामला रीवा जिले के हरमना थाना अंतर्गत पिपराही चौकी के जड़कुट जंगल का है, जहां महिला दुर्गा पंडाल से लौट रही थी। इसी दौरान 6 की संख्या में आरोपियों के द्वारा जंगल में ले जाकर महिला के साथ बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया व दुष्कर्म का पूरा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया और आरोपियों की तलाश शुरू की गई। महिला की शिकायत पर पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों में से 4 बालिग व 2 नाबालिग शामिल है। वहीं आरोपियों के घरों पर प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलाने की भी तैयारी की गई है। थाना हमना में एक फरियादी अपने परिजनों के साथ में आई और उसने सूचना दी कि उसके साथ में कुछ लड़कों ने छेड़खानी किया है, और इस पूरे मामले की तस्दीक करने के लिए लड़की का साथ में बातचीत की गई और उसमें पूरी बात ये पता चली कि ये लड़की अपने परिवार के लोगों के साथ में नवरात्रि में दुर्गा मूर्ति देखने के लिए गई थी और वहाँ से लौट रही थी। चूँकि परिजन पहले ही चले आए थे, ये अकेले वहाँ से लौट रही थी। पास के ही रहने वाले 3-4 लड़कों ने उसे वहाँ पे रोका और उसके साथ में छेड़खानी करने लगे, और छेड़खानी करते हुए फिर वहाँ से इसे घसीट के आगे काफ़ी अंदर जंगल की ओर ले गए और वहाँ पे इसके साथ में गलत काम किया। इसमें कुल 6 आरोपी रहे हैं, जिसमें से 2 औपचारी बालक भी हैं इसमें, और वहीं पे इसके जो गले में पहला मंचली था वो गिर गया था और वहाँ से ये फिर आके इसने सूचना दी। इस दौरान में लड़कों के द्वारा वहाँ पे फ़ोटो भी खींचे गए थे इसके साथ में, अश्लील फ़ोटो खींची गई थी, और वो अश्लील फ़ोटो लड़के चूँकि लड़की और उसके परिजनों को जानते थे, तो ये फ़ोटो उसके भाई को इसके द्वारा भेजा गया था। लड़की प्रारंभ में इन सारी चीज़ों को बताने से इनकार कर रही थी, क्योंकि वो काफ़ी डरी हुई थी समाज के भय से, और उसके बाद में जब पुलिस के द्वारा महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा उसकी काउंसलिंग की गई, हम लोगों के द्वारा उसे समझाया गया, तो उसने सारी बातें बताई। प्रारंभिक सूचना के आधार पर इसमें IPC की धारा 341, 354, 294 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जब मूल रूप से पूरी घटना की जानकारी प्राप्त हुई, इसके बाद में इसमें 376D धारा का इजाफा करते हुए अग्नि विवेचना की जा रही है। इस पूरी घटना में जो जितने भी आरोपी रहे हैं, कुल मूल रूप से 6 आरोपी रहे हैं, और सभी 6 आरोपियों को पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लिया गया है।